हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारे अरबी के पत्ते की सब्जी को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अगर आपने नहीं देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, देख सकते हैं। आज हम बनाएंगे अरबी के पत्तों के पकौड़े। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो के नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे आपको हमारे सारे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अरबी के पत्ते लिए हैं। इस तरीके के अरबी के पत्ते होते हैं रोल रोल, इस तरह से घूमे हुए मिलते हैं मार्केट में। तो ये आप इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं पीछे वाली, यानी कि डंडियाँ होती हैं, इसको अलग कर लीजिए। तो हमें सिर्फ पत्तों की ज़रूरत होगी पकौड़े बनाने के लिए। इनकी डंडियों को हमें यूज़ नहीं करना है। इनकी डंडियों की वैसे चटनी बनती है, बहुत बढ़िया चटनी बनती है। आपको हम वो भी बनाकर दिखाएंगे किसी और वीडियो में। आज हम पकौड़े बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सारी डंडियाँ हमें निकाल लेनी है और सिर्फ हमें पत्ते पत्ते चाहिए हैं। तो ये सारी डंडियाँ हमने देखिए निकाल कर अलग रखनी है, और ये पत्ते हैं जो अलग हो गए हैं डंडी से। तो ऐसे ही हमें सारे कर लेने हैं। देखिए, ये हमने सारे कर लिए और उनको अच्छे से पानी से साफ़ कर लिया है। इसमें जितनी भी मिट्टी थी, गंदगी थी, सारी निकल जाए अच्छे से, एक बार बढ़िया से साफ़ हो जाए ये पत्ते, क्योंकि हमें पत्ते ही खाने हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 12-15 आप लहसुन की कलियां ले लीजिए, और ये 2 प्याज ले लीजिए, और 4 मिर्चें, और ये अदरक, 4 टुकड़े हैं अदरक के, और ये मिर्चें हैं। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ पसंद ना हो, जैसे प्याज लहसुन आप ना खाते हो, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कटोरी बेसन ले लिया है। आपके घर में कोई भी कटोरी हो, उसके नाप से आप बेसन ले लीजिए 3 कटोरी। उसको अच्छे से छान लीजिए। फिर उसमें हम डाल देते हैं ये 2 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये भी आप अपने इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, जितना तीखा आप खाते हो। और यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन है, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और पानी से धो लिया है, छलनी से पानी साफ़ करके निकाल लिया है। इसमें हम डाल देते हैं, और जो हमने अभी आपको दिखाया था, ये अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, उसको हमने ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। और इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है इसका। थोड़ा सा पानी डाल के आप पीस लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। अब हम इसी कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से कर लेते हैं, मिला लेते हैं, जिससे कि कटोरी में बर्बाद ना जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा थिक हो बैटर, ना ज़्यादा मतलब गाढ़ा हो, ना ज़्यादा पतला हो, बिल्कुल बीच का हमें रखना है। और बिल्कुल पतला भी नहीं रखना है, और मतलब थोड़ा सा गाढ़ा ही गाढ़ा रखना है। आप देख सकते हैं, हम आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे हमने 2 चम्मच डाल दिया है आमचूर पाउडर, यानी कि पिसी हुई खटाई का पाउडर। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको मिलाते जाइए अच्छे से। अभी हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देंगे कि कैसे आपको कितना गाढ़ा रखना है। ये देखिए, इतना गाढ़ा है। तो आप अगर चाहें थोड़ा सा पानी और मिला सकते हैं। तो हम अभी इसको इस तरीके से लगा के देख लेते हैं पहले। ये लग रहा है अच्छे से। एक पत्ता को हमने इस तरीके से बिछा दिया एक प्लेट में, और ऊपर से हमने इस तरीके से बेसन को हाथों से इस तरीके से हमें लगा देना है। हाथों से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह लगता है ये। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये बेसन लग चुका है, और पत्ते जो है बीच बीच में फोल्ड होते ही रहते हैं। तो आपको इस तरीके से बीच में खोल खोल कर सारे पूरे पत्ते पे लगा देना है इसको। तो थोड़ा सा हम इसे पानी और मिला देते हैं, थोड़ा सा ये गाढ़ा ही है, तो हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। बहुत थोड़ा सा पानी मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है, एकदम पतला हो जाए बस। बीच बीच में ये सूख जाता है रखे रखे, तो आप बीच बीच में पानी मिला सकते हैं। और हमने दूसरा पत्ता लिया, उसको हमने इसके ऊपर रख दिया, और उस पत्ते को हमें उल्टा ही रखना है। जहाँ से हमने डंडी काटी थी, उस पार्ट को हमें ऊपर ही रखना है, अपनी साइड में ही रखना है। और देखिए, यहाँ पर ये पत्ता हमने उल्टा रखा था और ये सीधा रखा है। अब इसका कोना ऊपर है और पहले वाले पत्ते का कोना नीचे था। अब हमने इस पे भी इस तरीके से बेसन लगा लेना है पूरे पत्ते में। देखिए कितनी आसानी से ये अब लग गया है। थोड़ा सा ये पानी डाल लेना आप, अगर ज़रूरत लगे तो।
और यहाँ पे हमने ये तीसरा पत्ता बिछा दिया। आप देख सकते हैं ये अब ये उल्टा बिछाया है, नीचे वाला इसका कोना ऊपर था, अब ये उल्टा बिछा दिया, माने कोना जो है वो नीचे आ गया। अब आप देख लीजिए इसके ऊपर भी हमें इसी तरीके से बेसन को लगा लेना है। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं ये पत्ते। अभी हम तीन पत्ते लगा चुके हैं, आप 5 से 6 पत्ते लगा सकते हैं और फिर रोल बनाइएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये चौथा पत्ता लग रहा है, ये देखिए अब ये कोना ऊपर चला गया, इसका जो नोक है पत्ते की वो अब ऊपर चली गई, पहले नीचे। तो आपको ऐसे रखना है अल्टरनेटिव में, एक बार रखना है अगर नोक, अगर आप ऊपर रख रहे हो पहले पत्ते के तो दूसरे पत्ते की नोक नीचे, तीसरे पत्ते की नोक ऊपर, चौथे पत्ते की नीचे, तो इस तरीके से आपको करते जाना है। तो आपको 5 से 6 पत्ते लगा लेने हैं, उसके बाद आपको इसको रोल करना है। तो दोस्तों बरसात के मौसम में बहुत खाए जाते हैं, आजकल बरसात ही चल रही है तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो अरबी के पत्ते के पकौड़े खाने का मन तो सभी का करता है। और लेकिन थोड़ा सा बनाना ये ट्रिकी होता है, हर कोई नहीं बनाता है इसको। तो आप देखिए इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे भी बेसन लगा देंगे और दूसरी साइड में भी इस तरफ फोल्ड करके बेसन लगा देंगे। तो हमने दोनों साइड में बेसन लगा देना है जिससे अच्छे से चिपक जाए, और नीचे इस तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है। देखिए ये फिसलेगा, बार बार फोल्ड होगा, तो आपको ध्यान से बहुत ही लगाना है और धीमे धीमे फोल्ड करना है इसको, और हमें लूज़ लूज़ फोल्ड नहीं करना है, एकदम टाइट टाइट फोल्ड करना है, जिससे ये पत्ते खुले ना भाप के समय, जब हम इसे स्टीम करेंगे तो ये पत्ते खुल सकते हैं। तो आपको लूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम टाइट से आपको रोल करते जाना है। और आप देखिए इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बेसन लगा रहे हैं जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएं। देखिए कितनी अच्छी तरह ये रोल बन गया है, और ये रोल बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। आप चाहें तो इसमें डोरे से बांध सकते हैं इसको, देखिए इस तरीके से हमने डोरा नहीं बांधा है यहाँ पे, ऐसे ही हम करेंगे। सारे तैयार हो गए पत्ते, अब हम यहाँ पे एक ले लेते हैं कुकर। कुकर में हम थोड़ा सा 1/2 गिलास के करीब पानी डालेंगे इस तरीके से, जिससे इसकी भाप बने। ये 1/2 गिलास के करीब हमने पानी डाल लिया अपने हिसाब से, और इसमें हम अंदर डाल देंगे एक कटोरी सीधी डालेंगे, और ये इस तरह से हिल रही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे पानी। तो पानी से जब हम कटोरी को भर देंगे तब ये हिलेगी नहीं, एक जगह ही फिक्स रहेगी। तो हमें पूरी कटोरी को पानी से भर देना है, और इसके ऊपर हम डालेंगे यानी कि रखेंगे एक प्लेट टाइप की या चलनी टाइप की जिसमें छेद हो, इस टाइप की आपको ले लेना है, तो चलनी भी ले सकते हैं आप छोटी सी। तो इस तरीके से आप रख के इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए जिससे ये चिकना बना रहे पत्ते जो हैं, इसके ऊपर हम रखेंगे तो ये पत्ते चिपके ना। तो हमें हल्का सा उसमें ऑयल लगा लेना है, और फिर ऊपर से हमें इस तरीके से पत्तों को रखते जाना है अंदर। तो जो फोल्ड पार्ट है वो हम नीचे रखेंगे, जहाँ से जो फोल्ड था ना एंड, फोल्ड का एंड, तो वो हम नीचे रखेंगे, और ऊपर से हमें इस तरीके से करते जाना है। और देखिए हमने 3 पत्तों को इस तरीके से सेट कर दिया है, और इसके ऊपर हम फिर से दोबारा हम ये पत्ते रख सकते हैं क्योंकि जगह है। तो हमने देखिए पहले खड़े खड़े पत्ते रखे, अब लेटे लेटे इस टाइप से हम रख देंगे पत्तों को, तो ये आराम से आ जाते हैं। तो ऐसे में 5 बंडल देखिए हमारे आराम से आ गए हैं। अब हम कुकर को बंद कर देंगे ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक, और 1 सीटी आने के बाद इसको आराम से ठंडा होने देंगे, उसके बाद अपने आप ही इसकी स्टीम निकलने देंगे, उसके बाद ही कुकर को हम खोलेंगे। देखिए हमने कुकर को खोल लिया है 1 सीटी आने के बाद, और ठंडा हो गया था ये कुकर हमारा। उसके बाद आप देख सकते हैं पत्ते अच्छे से स्टीम में पक गए हैं, यानी कि ये भाप में अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल नहीं खुले हैं, कितने बढ़िया दिख रहे हैं ये। तो अब हम इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे पहले, उसके बाद हम इसके पीसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक चलनी में निकाल लिए सारे पत्तों को, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं खुले हैं, देखिए बिल्कुल बंधे हुए से हैं ये, और कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम ठंडे होने के बाद इसको इस तरीके से काटेंगे, थोड़ा थोड़ा दूरी से आप इस तरीके से इसके पीसेस कर लीजिए, और ये रूखे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
आप अगर इसको ऐसे भी खाइए एक उठाकर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में आपको। लेकिन कच्चा खाने में थोड़ी सी गले में खुजली सी होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको तेल डालकर कढ़ाई में पकौड़ी इसकी तल लेंगे। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई ऑलरेडी हमारी गरम है, तेल ऑलरेडी गरम है हमारा, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये इस तरीके से फ्राई करते जाएंगे। जितने आपके कढ़ाई में एक बार में आ जाएं, तो आप उतने पकौड़े को एक साथ तल लीजिए। और हमें ज़्यादा एकदम तलना नहीं है इसको, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा चला के 4-5 मिनट हमें इसको तल लेना है। और जब ये एक साइड में तल जाएंगे, तो हमें दूसरे साइड में इसको पलट लेना है। तो दोनों साइड में ये तल जाए तब हल्के से, बिल्कुल एकदम जलाना नहीं है बिल्कुल बहुत, क्योंकि पत्ते हैं बहुत जल्दी ये सिक जाएंगे और बेसन की वजह से ये थोड़ा टाइम लग सकता है बस। तो हमें इसको बस ऊपर ऊपर का जब इसका कलर चेंज हो जाए तब हमें निकाल लेना है। तो देखिए ये बस सिक गए हैं हमारे, अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया पकौड़े लग रहे हैं ये। अगर आप चाहें ज़्यादा सेकना तो आप सेक भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन हमें ये इसी तरह से पसंद है हमारे घर में सब लोगों को, तो हम इसी तरीके से इसे करेंगे। इसमें थोड़ा सा कच्चापन भी का फ्लेवर आएगा, थोड़ा सिका हुआ भी फ्लेवर आएगा, दोनों फ्लेवर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बरसात के मौसम में खाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में ही अरबी के पत्ते आते हैं और बरसात के मौसम में खाना इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है खाकर इसको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपीज हमारी अच्छी लगी तो हमारी रेसिपी को लाइक करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों में फ्रेंडों में शेयर करिएगा हमारी वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर लीजिए, आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती रहेंगी, नई नई रेसिपीज़। तो ये देखिए हमने ये प्लेट में निकाल लिए हैं सारे, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये पकौड़े। मन तो कर रहा है कि हम खा लें, लेकिन हम तो खा चुके हैं फिर से। फ्रेंड्स, अब आप कब ट्राई कर रहे हैं, तो ये आप ट्राई करिएगा जल्दी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल सोमैरो किचन। Thank you.